प्राप्त की। मैं कह सकता हूं जब 2.5 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का आज पूरा हो रहा है, इन 2.5 वर्ष के अंदर सभी पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। इन 2.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। इन 2.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर फिरौती से जुड़ी भी किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया गया और इन 2.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर दुर्दांत अपराधी या तो प्रदेश छोड़ करके गए हैं या फिर उनको कहीं अन्यत्र ही ठिकाना उनको मिला है, लेकिन प्रदेश के अंदर उनको चारागाह उनका नहीं बनने दिया गया है। प्रदेश के अंदर इस दौरान तमाम अपराधों में व्यापक कमी आई है। डकैती में लगभग 54% का, बलात्कार की घटनाओं में 36% का, हत्या के मामलों में 15% का, लूट के मामलों में 45% का, फिरौती अपहरण के मामले में 30% का और बलवा आदि के मामलों में भी 38% की कमी आई है। प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, खासतौर पर बालिका सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए जो प्रक्रिया तेजी के साथ प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाई है, पास्को एक्ट को तेजी के साथ प्रभावी ढंग से लागू करने की कार्रवाई प्रारंभ हुई और जनपद स्तर पर और प्रदेश स्तर पर इसकी साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक बैठकों का क्रम प्रारंभ हुआ। उसके कारण अपराधियों को समयबद्ध ढंग से सजा दिलाने की कार्रवाई भी प्रारंभ हुई। प्रोसिक्यूशन को तेज करना, इस प्रकार के जघन्य मामलों में समय से चार्जशीट दाखिल करना और फिर इस मामले में प्रभावी पैरवी करते सजा दिलवाने की कार्रवाई करना, जिसमें औरैया में अभी हाल ही में आपने देखा होगा, अगस्त प्रथम सप्ताह में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना घटित होती है, 20 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल होती है और 7 दिन के अंदर प्रोसिक्यूशन को पूरा करते हुए अपराधी को आजीवन कारावास की सजा भी कराई जाती है। ये प्रक्रिया पूरे प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर लागू हुआ है। इस दौरान आम जनमानस की सुविधा के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर IGRS पोर्टल के साथ ही एंटी करप्शन पोर्टल को भी लॉन्च किया और आम जन की समस्या को प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी जारी की, जिसकी समीक्षा मैं स्वयं भी हर महीने करता हूं और फिर उसके साथ जवाबदेही भी हम उसके साथ जोड़ते हैं। हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर 41 नए थाने, 13 नई चौकियां और 58 नए अग्निशमन केंद्र स्थापित किए। 2,00,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर हुई, जिसमें हम लोगों ने अब तक 75,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्तियां जो आज फील्ड में आ चुके हैं और बाकी कुछ प्रक्रिया चल रही है, ट्रेनिंग में है, कुछ अभी प्रक्रिया के दौर उसमें चल रहा है, ये प्रक्रिया भी हम आगामी उस वर्षों में पूरा कर लेंगे।